पीपल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सो श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है ऑरेंज न्यू ऑरेंज वंदे भारत जर्नी। सो न्यू ऑरेंज ट्रेन आ चुकी है जो कि वंदे भारत, इससे पहले ब्लू में थी, बहुत ही एडवांस और खूबसूरत 100 करोड़ में बनाई गई वंदे भारत, 100% मेड इन इंडिया। सो आज ऑरेंज वंदे भारत हम देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो वॉच कर रही हूँ बिकॉज वंदे भारत ऑरेंज में जो है मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि किस तरह की ये बननी है और इसमें क्या क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ब्लू वाली वंदे भारत। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। सो यस, हियर वी गो। फिलहाल अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर हम लोग कहीं और के लिए निकलेंगे। ये देख लो, आ गया, काफी लोग कर रहे हैं वैसे। ये धनंजय भैया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। पहली बार आप मेरे ब्लॉग में आ रहे हो। और सत्य भाई का तो जानते ही हो। सत्य, हम लोग रात में भी आए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। वहाँ पे अपने डोलेस भाई है, ज्योति बोले। और अपने एस के है, संदीप भाई है, और ये मेरे वाइफ, सबको साथ में ही है। मेरी वाइफ आपकी सबसे बड़ी फैन है, उसका नाम भी ज्योति है। एक बार उसका भी नाम आप अपने ब्लॉग में ले सकते हैं। चलिए चलिए, ज्योति जी बहुत जल्द मिलेंगे, भाई ने इनवाइट किया है घर पे, आएंगे कभी तो साथ मिल के आएंगे, सत्या भाई के साथ जाएंगे, सबको मिल के। हमें यहाँ का केरला का स्पेशल परोठा खाना था, कल भी खाया, आज भी। लेकिन अगर हम लोग वहाँ जाते हैं ना भाई, त्रिवेंद्रम जाते हैं, वहाँ तो और भी कमाल का मिलेगा। चलो बढ़िया, मैंने अपने लिए फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया है, वो पीते हैं फिर जाते हैं। हाँ जी, तो देख लो, अभी ब्रेकफास्ट करके आने के बाद अभी हम लोग हो गए रेडी। सत्या भाई ऑलरेडी स्टेशन पहुंच चुके हैं, फोन आ रहा है कि मोहित भाई जल्दी आ जाओ, जाते हैं। एक्चुअली देखो, हमारा पासेस का तो कलेक्ट हो गया था, लवली को लेकर एक टेंशन था, उसका भी हो गया, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अभी जाते हैं स्टेशन फटाफट। लो जी, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो ले लिया है, जा रहे हैं स्टेशन। स्टेशन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। फाइनली अभी हम लोग स्टेशन में पहुंच गए और अंदर में देख लो अलग ही सेलिब्रेशन स्टार्ट है। तो जाते हैं अंदर और यहाँ पे देख लो लगेज वगैरह लेकर आए हम लोग, तो अंदर जाके बाकी का वीडियो अंदर से कंटिन्यू करते हैं। और ये देख लो कासरगोड रेलवे स्टेशन। जी स्टेशन के पास तो आ गए हम लोग और ये मिल चुका है हमारा पासेस। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ बीच में ही उतरना पड़ेगा, लेकिन ये जो अपना जर्नी है एंड टू एंड होने वाला है। अभी देखो, मैंने अभी भी प्लान नहीं किया एंड टू एंड करने का, बीच में भी उतर सकते हैं, लेट्स सी। अभी कुछ भी प्लान नहीं है मेरा। बाकी चलो, पासेस मिल चुका है, गेट सारा अभी बंद है, जैसे गेट ओपन होता है फिर जाते हैं अंदर। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही आ गया था एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए एक्सक्लूसिव लुक इसका। वैसे वापस से मैं अभी आ गया हूँ, इस बार मैं आया हूँ प्रॉपर देख लो तैयारी के साथ, मतलब जर्नी करने के लिए आया हूँ इस बार मैं। ये जो सामने की तरफ स्टिकर देख रहे हो ना चीता वाला, ये हमारे सामने लगा, सामने। वैसे आज हमारा जर्नी होने वाला है कासरगोड टू त्रिवेंद्रम। देखना है एंड टू एंड करना है या फिर बीच में भी कहीं छोड़ सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे ये टोटल 8 कोचेस का वंदे भारत है। हाँ जी, टोटल 8 कोचेस का आप बोल सकते हो ये मिनी वंदे भारत है। वैसे सेम रूट में एक और ट्रेन चलती है, एक और वंदे भारत चलती है जो कि 16 कोचेस की है, और वो ट्रेन जाता है भाई पूरा, उसमें मैंने सुना है इसका रूट अलग रहेगा। ओके, और वैसे बोला जाता है जो इस रूट में चलती है वंदे भारत वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है। अच्छा, वेटिंग ना वो। बाकी इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अंदर का इंटीरियर कैसा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये ट्रेन देख लो अभी। ऑल राइट, तो ट्रेन में एंटर करते ही सबसे पहले मैं आ गया हूँ इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में। अभी तक तो फिलहाल देखकर सेम ही लग रहा है, मतलब लग रहा है कि यहाँ बाहर से लुक पूरा ही चेंज है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टोरी डाला था, उसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि मोहित भाई अच्छे खासे वंदे भारत को KTM बाइक बना डाला भाई। कलर तो पूरा इंस्पायर्ड है अपने KTM से, बाकी अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं अभी इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा हूँ और इससे कहीं ज्यादा कम्फर्टेबल मैंने देखा है जो बाकी का जो वंदे भारत है, जैसे आप बात कर लो बिहार का, मुंबई, गोवा का। ये सीट देखो, आपको थोड़ा पतला पतला लगेगा, वो चेयर कार के जैसा लग रहा है ना थोड़ा बहुत। बाकी इसका जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसका जो सीट्स है और जो चेयर कार का सीट्स है, दोनों का कलर सेम है। मैं तो सुन रहा था काफी सारा 25 या 26 चेंजेस किया गया है,
अभी तक तो वो चेंजेस मुझे दिखा नहीं, लाइक देख लो लेग स्पेस भी सेम ही लग रहा है। नीचे में देख लो वाटर बॉटल होल्डर है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा देख लो यहाँ पे टच लाइट, ये देख लो टच लाइट, ये तो जैसे कि होता है लाइक सभी वंदे भारत में वैसा ही है सेम। बाकी अगर मैं रिक्लाइन की बात करूँ तो देख लो, तो ये जो अपना सीट है इतना रिक्लाइन हो सकता है। एक बात है, आराम करते हुए आप जा सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों इसका जो कुशनिंग है ना मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं लग रहा, थोड़ा हार्ड हार्ड टाइप का लग रहा है। और ये बात तो आपको ही पता है, इस सीट को पूरे तरीके से आप रोटेट कर सकते हो, लाइक यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन है टू रोटेट प्रेस लीवर। लीवर का मतलब है आपको वो जो नीचे दिख रहा है ना वाटर बॉटल होल्डर के नीचे, उसको प्रेस करना होगा और सीट को आप पूरा रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा देख लो सामने की तरफ लगा हुआ है स्क्रीन जिसमें सारा ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ रहेगा। बस कन्फ्यूजन ये है कि चेंजेस इसमें क्या हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैं एक बार कन्फर्म करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये साइड में आपको मिल जाएगा ट्रे टेबल, देख लो कुछ ऐसा ट्रे टेबल है, साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ट्रे टेबल का पहले वाले से। बाकी अगर आप बैक साइड देखोगे ना तो वो मैगजीन होल्डर, फुट रेस्ट वगैरह सब कुछ सेम है, नॉर्मली है जैसा कि पिछले बंदे भारत सब में रहता था। मैं तो इसीलिए एक्साइटेड था इधर आया था, एक तो कलर के लिए, दूसरा ये था कि मैंने सुना था अंदर में काफी सारा चेंजेस हुआ है, लाइक 25 से 26 चेंजेस हुआ है। अभी तक तो नहीं दिखा वो चेंजेस मेरे को फिलहाल। ये देख लो सीट को आप पूरे तरीके से ऐसे रोटेट कर सकते हो, ये देखो यहाँ की तरफ एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे आप ट्रेन का सारा इन्फॉर्मेशन, लाइक जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कितने किलोमीटर बाद है, कितनी स्पीड में आपका ट्रेन चल रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगा। ये सारा वॉशरूम है, वॉशरूम तो बाद में दिखाऊंगा मैं। हाँ जी, तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है एग्जीक्यूटिव क्लास इनका, जिसमें चेंजेस मतलब मेजर मेरे को तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने चेयर कार में, और चेयर कार का इंटीरियर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सीट्स वगैरह सब कुछ मेरे को अभी तक तो सेम लगा है। बाकी हाँ, अकेले नहीं हूँ मैं, काफी लोग हैं यहाँ पे, देख लो ये अपना चेयर कार, अपने सत्या भाई, अपने डोलेस भाई, अपने एसके भाई, अपने धनंजय भैया और अपने संदीप भाई। पता ही नहीं लग रहा कि चेयर कार है कि एक्सीडेंट। हाँ, अगर आप जैसे क्रॉस करते हुए जाओगे तो आप लास्ट पहुंच जाओगे, मेरे को तो यही नहीं पता लगा कि आई क्रॉस्ड। सेम सेम है भाई, मतलब मेरे साथ भी हुआ। कलर चेंज करना चाहिए, ये होना चाहिए, सही बात है। बाकी लाइक देख लो सीट्स ऐसे ही है सेम है, कुछ अलग से दिखाने का इसमें है नहीं, बाकी ऐसा ही सीट है सेम, ऐसा ही सीट्स आपको मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव क्लास में। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा उसमें लेग स्पेस ज्यादा है। इसका भी देख लो चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ सेम है। रिक्लाइन संदीप भैया थोड़ा हेल्प करोगे, ये देख लो भाई रिक्लाइन, ये सीट इतना तक हो सकता है। बाकी इसके अलावा ट्रे टेबल काफी बढ़िया है, मेरे को सबसे बढ़िया ट्रे टेबल लगता है चेयर कार का एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास। इसमें आराम से रख के आप अपना, हम जैसे क्रिएटर के लिए तो एडिटिंग भाई एडिटिंग हो जाता है, खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग। आप संदीप भाई से बात कर रहे हो, सीट बैंड करवा रहे हो, संदीप भाई का बैग और चेक करो, स्नेक मिलेगा आपको। संदीप भाई अभी जंगल में से निकल के आए एक्चुअली भाई चले गए थे अंदर शूट करने के लिए कहीं, तो क्या निकला, सच में निकला नेचर में आप हो, पता चल गया ना, इसलिए बोलते हैं केरला को गॉड्स ओन कंट्री। संदीप भाई की क्रिएटिविटी अलग है। बाकी हाँ, यहाँ पे देख लो टच लाइट वगैरह सब कुछ तो सेम है, और ऐसा कुछ अलग इसमें है नहीं। हम लोगों ने वैसे लास्ट सेट लिया है, अभी सबसे मेन दिखाते हैं आपको इनका वॉशरूम। गेट देख लो ऑलरेडी हो चुका है लॉक, बस अभी हरी झंडी का वेट है, जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं निकल जाएंगे हम लोग। अभी मैं आ गया हूँ वंदे भारत के वॉशरूम में, और वॉशरूम में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा ये जो वॉश बेसिन है ना देख लो काफी मतलब जगह हो गया, पहले तो एकदम छोटा सा होता था तो हाथ वाथ धोने में दिक्कत होता था, अभी काफी जगह हो गया है। साथ ही यहाँ पे हैंड ड्रायर भी है, और सामने की तरफ ये बड़ा सा मिरर, यहाँ पे लाइक सोप डिस्पेंसर हो गया, अपना टॉल वगैरह आप हैंग कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे देख लो फ्रेशनर भी अंदर में, ताकि वॉशरूम में ऐसा कोई गंदा स्मेल ना रहा है। तो फाइनली अभी टाइम देख लो 1:06 हो रहा है, अपनी नई नवेली ऑरेंज कलर की वंदे भारत निकल चुकी है कासरगोड रेलवे स्टेशन से। और एक बात काफी अच्छा है, जो विंडो है काफी क्लीन है, और गेट काफी पहले क्लोज हो गया था इसलिए मैं गेट पे गया ही नहीं दिखाने के लिए। आगे का माहौल देखना भाई, मैं तो बाहर जाके दिखा नहीं पाया। ये देख लो भीड़ देख लो भाई साहब, भीड़, ओहो 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 ओहो। वैसे आज लाइक इंडियन रेलवे के लिए काफी खुशी की बात है कि एक साथ 9 वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें से हम लोग ये कासरगोड टू त्रिवेंद्रम वाली वंदे भारत में है, जो कि सबसे स्पेशल भी है क्योंकि ये ऑरेंज कलर की वंदे भारत है। फाइनली अपना ट्रेन निकल चुका है कासरगोड से, जय माता दी। वैसे ट्रेन का स्पीड तो आप पीछे भी चेक कर सकते हो, और यहाँ देख लो भाई साहब निकलते ही ट्रेन का स्पीड देख लो एक बार, 109 किलोमीटर पर आवर।
और ट्रेन देख लो निकलते ही ये मिल चुका है हमें यहाँ पे खाना। वैसे मैं बता दूं ये इनॉग्रल जर्नी है, आज हमें जो फूड सर्विस मिलेगा ना थोड़ा अलग मिलेगा, हर दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा मैं बता दूं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इनॉग्रल के लिए आपको कुछ इस टाइप से देते हैं ये। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं दिखाता हूँ, ये तो काफी गर्मा गर्म लग रहा है ये बिरयानी जैसा। चलो ढक्कन हटाते दिखाते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड, नमस्ते। वैसे गर्मा गर्म अपना खाना तो आ चुका है लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, एक वंदे भारत अभी क्रॉस करने वाली है जो कि व्हाइट एंड ब्लू वंदे भारत है। काफी कमाल का सीन दिखने वाला है। कब निकला कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट हॉल्ट दिखा रहा है कन्नौर, तो हम लोग भी वहीं उतर जाएंगे। वैसे इसका ऑफिशियल स्टॉप क्या क्या होने वाला है सब कुछ आपको बताएंगे एक एक करके। चलो काम करते हैं, खाना ट्राई करते हैं, बताते हैं खाना कैसा है। ट्रेन का स्टॉप वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ बताएंगे एक एक करके। तो देख लो जी ये कुछ हमें खाना सर्व किया गया है, ये तो चपाती है साथ में अचार रायता, ये कुछ वेज बिरयानी जैसा लग रहा है, साथ में गुलाब जामुन तो है ही, देख कर तो टेस्टी लग रहा है, टेस्ट करते बताते कैसा है। चलो ट्राई करते हैं बिरयानी। आप लोगों ने देखा था हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे लेकिन उस टाइम ना मेरे को कुछ खाने का मन नहीं था, मैं बस कॉफी पी गया था, अभी मेरे को भूख भी लगा है। तो ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, ये एक तरह से हमारा लंच हो गया आज। काफी बढ़िया खाना सर्व किया गया है यहाँ पे, वेज बिरयानी और रायते के साथ एक नंबर, गर्मा गर्म है, बहुत अच्छा था। मेरे को तो मिल गया गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मिल गया, सब्जी बहुत अच्छी है, रायता हो गया दोपहर के हिसाब से, लंच के हिसाब से बहुत बढ़िया। राइस वगैरह आपने टेस्ट किया? राइस बहुत अच्छा लगा मेरे को यार, मजा आ गया खाकर। उम्मीद है इनॉग्रल जर्नी में जैसा ही खाना मिल रहा है, कमर्शियल में भी मिला वैसा, सही बात। ट्राई किया खाना आपने? सबकी थालियां खा के आ रहा हूं, मजा आ गया खाना। भाई समंदर देखा? अरे एक चीज नोटिस करो, हमारा ट्रेन यहाँ से चल रहा है, पास में ही समंदर है, मतलब बीच दिख रहा है। केरला वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, इट्स एक्चुअली गॉड्स ओन कंट्री। चलो भाई अपना खाना भी अब कंप्लीट करते हैं। केरला बहुत खूबसूरत है, इस वाले रूट में आप कभी जर्नी करना बहुत अच्छा लगेगा आपको। भाई नजारे देखो, मैं कैमरा में बंद नहीं कर सकता भाई। चलो अब बात कर ली जाए इस ट्रेन के टाइमिंग का, प्राइजेस का और लाइक रूट का, सबसे मेन रूट का। ये तो देख लो इनॉग्रल है तो इसलिए आज इसका लाइक 12:30 या 1 बजे के लगभग इसका डिपार्चर हुआ कासरगोड से। लेकिन नॉर्मली ये जो ट्रेन है, जब ये नॉर्मल मतलब परसों से ये जो ट्रेन है सुबह 7 बजे मतलब ये कासरगोड से निकलेगी और लगभग दोपहर के 3-5 तक ये ट्रेन पहुंच जाएगी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। इसके बीच में क्या क्या स्टॉप रहने वाला है तो मैं बता दूं, ये जो स्टेशन में देख लो अभी हमारा ट्रेन पहुंचा है, ये कोई पयनूर, लेकिन ये बस इनॉग्रल के लिए, कमर्शियल में या फिर नॉर्मल जर्नी में यहाँ नहीं रुकेगा। ट्रेन का जो हमारा सबसे पहला स्टॉप होगा कासरगोड से निकलने के बाद वो होगा कन्नूर, फिर ये ट्रेन रुकेगा कोझिकोड़े मेन, फिर तिरूर, सोरानूर। और एक बात मैं बता दूं, सोरानूर तक ये जो अपना ट्रेन है ना इसका स्पीड रहेगा 110 और उसके बाद देखिए आप लोगों ने सुन लिया सभी के मौसम का रिव्यू। और ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि न्यू वंदे भारत, हम ये ऑरेंज वंदे भारत कंफ्यूजन हो रही है ना, नाम सेम टू सेम है बट कलर का सिर्फ डिफरेंस है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि वीडियो में कि भाई ऑरेंज आई है तो काफ़ी डिफरेंट होगी, कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ना तो खाने में थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि रूट थोड़ा डिफरेंट है तो पैसेंजर्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है केरला वगैरह और यू नो, तो उसके लिहाज से इन्होंने फूड जो है वो यहाँ पर रखा है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि बिरयानी और साथ में जो है वो राइस थे और राइस में साथ में करी थी और साथ में चपाती थी तो, और साथ में मिठाई मतलब मीठे के लिए ना, तो मुझे फूड में थोड़ा डिफरेंस लगा। बाकी अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स ऑलमोस्ट सेम है, कलर भी सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में 19 पीस का फ़र्क नज़र आया। उसके अलावा मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आया, रोटेट भी वैसे ही होती है और लेग स्पेस भी सेम टू सेम वैसे ही दिख रही है, बस अगर कलर का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो बाहर से थोड़ा डिफरेंट है, ऑरेंज है और बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन नज़र आता है विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ऑरेंज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे तो ऑरेंज वैसे भी बहुत खूबसूरत कलर लगता है और पहनना भी पसंद है, और मैं मोस्टली आपने ड्रेसेस देखेंगे वो भी मैं ऑरेंज ही ज़्यादा पसंद करती हूँ वेयर करना। और उसके साथ साथ जो है अगर आप देखें तो इनॉग्रेशन थी तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आई, काफ़ी क्राउड था, बारिश का मौसम था और नो डाउट केरला बहुत खूबसूरत है और जो है ग्रीनरी बहुत लश वाली है और यकीन मानो मेरा तो दिल कर रहा है मैं जाऊँ और देखूँ, क्योंकि बारिश का मौसम था तो इस वजह से
ग्रीनरी और ज्यादा उभर कर नजर आ रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत है और अच्छी लग रही थी। मतलब एक अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। और डेफिनेटली अगर मैं विजिट करूंगी तो मैं केरला जरूर आना पसंद करूंगी। तो फ्रेंड्स अच्छा था वंदे भारत। नो डाउट इंडिया की ट्रेन बहुत अच्छी हैं और काफ़ी खूबसूरत ट्रेन हैं और इसमें फैसिलिटीज और फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आप सुकून की जर्नी होती है और इन्जॉय करते हो आप। और जो है हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी कंट्री में भी कुछ इस तरह की ट्रेन आएँ और हम भी उसमें इस तरह की जर्नी को इन्जॉय करें और जो है वो सुकून का सफ़र करें। वैसे हमारे पास भी इस तरह की ट्रेन आई है, मैं अपने व्लॉग्स में ट्राई करूंगी आप लोगों से शेयर करने की, बट उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो डेफिनेटली आई विल शेयर माई यू नो वीडियोज। तो उसके लिए आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, साइमा पिज्जा द व्लॉग चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।